क्या आप जानते हैं सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म कौन सी है? अगर आपका जवाब नहीं है तो अगले 30 सेकंड में आपको पता लग जाएगा। छुपी है कहां, मैं तड़पता यहां। साल था 1935। एक मराठी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, नाम था नागानंद। इसके निर्देशक थे वाई वी राव और लीड एक्टर चितलकर रामचंद्र। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद। रिलीज के पहले दिन इंटरवल के वक्त फिल्म के लीड एक्टर चितलकर ने थिएटर में फिल्म का रिस्पांस पता करने के लिए फोन किया। इस एक्टर को जो जवाब मिला उसके बाद तो उन्होंने ताउम्र किसी फिल्म में एक्टिंग ना करने की कसम खा ली। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा। दरअसल थिएटर की ओर से जानकारी दी गई कि फिल्म देखने के लिए 10 से 12 लोग आए थे, लेकिन इंटरवल से पहले ही एक एक करके सभी दर्शक सिनेमा घर छोड़ चुके थे और इसलिए फिल्म को बंद करना पड़ा। वो पिक्चर सिर्फ आधी ही चली, उसके बाद बंद हो गई। लोगों ने कहा भाई कुछ 12 आदमी पहले थे वो भी उठ के चले गए। सिनेमा घर में फोन करने वाले शख्स और इस फिल्म के लीड एक्टर कोई और नहीं बल्कि चितलकर रामचंद्र यानी सी रामचंद्र थे। वही सी रामचंद्र जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा के दिग्गज और दबंग संगीतकार बने। आना मेरी जान, संडे के संडे, मेरी जान, लता और रामचंद्र की जोड़ी को सीता राम की जोड़ी कहा जाता था। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को बनाने, लिखवाने और गवाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने इसी सी रामचंद्र को जिम्मा दिया था। सी रामचंद्र की काबिलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने 1955 में आई फिल्म आजाद के 9 गानों की धुन एक ही रात में बना डाली और सारे गाने सुपरहिट साबित हुए। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। यही सी रामचंद्र अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक एक गाने के लिए रात रात भर लता मंगेशकर उनके पैर दबाती रहती थी। उनकी निजी जिंदगी भी बिगड़ रही थी। उनकी पत्नी कहती थी, क्या है उस काली कलूटी में जो तुम मुझे छोड़कर उसके पीछे पड़े रहते हो। चालीस, पचास और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में सी रामचंद्र का सिक्का चलता था। वो खुद को सहगल से कम नहीं मानते। उनके एक इशारे पर लता मंगेशकर एक पैर पर खड़ी रहती। ६२ के युद्ध में भारत को चीन से मिली शिकस्त के बाद सी रामचंद्र ने गमगीन और दुखी देशवासियों में एक गीत के जरिए ऐसा जज्बा भरा कि हर कोई वतन पर कुर्बान होने को आमादा दिखने लगा। हिंदी सिनेमा जगत के लोग सी रामचंद्र को प्यार से अन्ना कहते थे। उनकी शख्सियत और जिंदगी से जुड़े इतने किस्से हैं कि सुनाने चलें तो कई दिन कई महीने लग जाएं। जितने प्रतिभाशाली उससे कहीं ज्यादा ईगो से लैस, जितने जिंदा दिल उससे कहीं ज्यादा जज्बाती। यारों के यार ऐसे कि दोस्तों और दोस्ती के लिए कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार रहते। अब उससे जुड़ा एक वाक्या सुनिए। वो किस्सा यूं है कि उस जमाने में एक रिकॉर्डिस्ट होते थे जनाब B.N. शर्मा, मौसूफ, साहबान जो भी कहिए, वो अपनी रिकॉर्डिंग की काबिलियत से भी ज्यादा अपने गालीबाज अंदाज के चलते मशहूर थे। चलती हवा, दौड़ता ट्रैफिक और डाल पर बैठी चिड़िया को भी गाली फेंक के मारते। बड़े बड़े गायक को मिनटों में संट कर देते। सी रामचंद्र और B.N. शर्मा की पक्की यारी थी। पूरे दिन दोनों स्टूडियो में साथ दिखते और शाम को मैखाने में। उस वक्त रामचंद्र यानी अन्ना और लता के रिश्ते को मोहब्बत का नाम दे दिया गया था। जाग दे, जाग दिल को दे। एक दिन ऐसा हुआ कि रिकॉर्डिंग के बाद शर्मा और अन्ना बैठे थे जाम लड़ाने। साथ में दोनों का एक शागिर्द भी था। सुरूर शबाब पर पहुंचा तो शर्मा जी अपने अपने अंदाज में आए और लता मंगेशकर पर 10-5 लतीफे जड़ दिए। खुमारी में डूबे अन्ना ने भी उसी सुर में ऑल फॉल बग डाला।
दो के बीच तीसरा हो तो बात छुपती कहाँ है, सो यहाँ भी नहीं छुपी। अन्ना से कुछ कह पाने की हिम्मत लता में नहीं थी, सो उनको फोन कर बस इतना भर कहा कि अब से वो शर्मा के साथ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगी, लिहाजा अगली कोई भी रिकॉर्डिंग हो तो वो इस बात का ख्याल रखें। अब अन्ना तो ईगो की पोटली सिर पर लेकर जीते थे, सो कह दिया नक्को अपुन की रिकॉर्डिंग तो शर्मा के इधर ही छोएगा, सो बस हो गई कुट्टी। ये कुट्टी कैसे बन गई करीब दो दशक पुरानी सीताराम की जोड़ी टूटने की वजह, और इसके बाद कैसे अन्ना का करियर डूबता चला गया, इसकी बात आगे करेंगे। अब लौटते हैं अन्ना के एक ऐतिहासिक फ्लॉप एक्टर से संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह बनने की कहानी पर। नखरे बड़े मोटे मोटे नाम बड़े बॉलीवुड में सी रामचंद्र का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने न केवल संगीत निर्देशन की प्रतिभा से बल्कि गायकी, फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से भी सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बनाए रखा। बोले तो मल्टी टैलेंटेड थे अपने अन्ना। आमतौर पर लोग सी रामचंद्र को तमिल समझते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक एक मराठी ब्राह्मण परिवार से था। 1918 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव पुंतबा में जन्मे सी रामचंद्र का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर था। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गंधर्व महाविद्यालय के विनायक कबुआ पटवर्धन से हासिल की। सी रामचंद्र ने अपने सिने कैरियर की शुरुआत बतौर अभिनेता यूवी राव की फिल्म नागानंद से की। पहली फिल्म के फ्लॉप होने पर उन्होंने दोबारा एक्टिंग नहीं करने की ठानी और संगीतकार बनने का फैसला किया। दिग्गज निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी ने भी सी रामचंद्र को अभिनय की बजाय संगीत की ओर ध्यान देने की सलाह दी। इतना हसी है मौसम, इतना हसी सफर है। इसके बाद सी रामचंद्र मिनर्वा मूवी टोन के संगीतकार बिंदु खान और हबीब खान के ग्रुप में शामिल हो गए और बतौर हारमोनियम वादक काम करने लगे। बतौर संगीतकार उन्हें सबसे पहले एक तमिल फिल्म में काम करने का मौका मिला। रामचंद्र ने शुरुआत में अपनी धुनों को अपने सरनेम चितलकर नाम से आवाज दी। वो कई फिल्मों में गायक के तौर पर शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के साथ गाने भी गाते थे, जिससे लोग उनके मुरीद होते चले गए। देशभक्ति और समाज पर प्रहार करने वाले गीतों की धुनें बनाने में रामचंद्र को महारत हासिल थी। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है काम की, काम पर लुटाए। सी रामचंद्र मस्त मौला, अक्खड़ और आगे चलकर कुछ हद तक अहंकारी इंसान थे। उनको दोस्त भी मिले तो एक्टर डायरेक्टर भगवान दादा, प्रोड्यूसर पीएल संतोषी, राइटर राजेंद्र कृष्ण और कॉमेडियन ओम प्रकाश जैसे मौला लोग। 1940 के दशक में ये लोग ऐसी धमाल लाइफ जीते थे कि उसके कई किस्से बड़े मशहूर हैं। 1942 में एक फिल्म आई सुखी जीवन, इसमें सी रामचंद्र ने ही म्यूजिक दिया था और निर्देशन भगवान दादा का था। फिल्म हिट साबित हुई तो काम भी चल निकला। इसके बाद निर्माता निर्देशक जयंत देसाई के साथ सी रामचंद्र ने लगातार तीन फिल्में की, 1943 भक्तराज, 1944 में मनोरमा और 1945 में सम्राट चंद्रगुप्त, जो सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। इस सफलता ने सी रामचंद्र के अंदर एक अजब सा अहंकार का भाव भर दिया। हर कामयाबी के साथ वो खुद के मुरीद बनते जा रहे थे और ईगो हावी होता जा रहा था। इसी से जुड़ा एक वाकया सुनिए। जयंत देसाई केएल सहगल को लेकर एक फिल्म बना रहे थे, तब सी रामचंद्र ने अपनी तनख्वाह 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की मांग की। देसाई 600 रुपए पर राजी थे और समझाया कि देखो तनख्वाह दोगुनी कर ही रहा हूं, साथ ही तुम्हें सहगल के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अहंकार में डूबे रामचंद्र ने कहा कि अगर सहगल सहगल हैं तो मैं भी सी रामचंद्र हूँ। अब क्या था, तनख्वाह तो 1000 रुपए हुई नहीं, अलबत्ता वो कंपनी से बाहर जरूर हो गए। इसके बाद अन्ना का साथ दिया गीतकार कवि प्रदीप ने और अपने साथ फिल्मिस्तान स्टूडियो ले गए। फिल्मिस्तान में रामचंद्र का सितारा और भी चमका, उनकी फिल्में और गाने पहले से भी ज्यादा हिट होने लगे। फिल्मिस्तान स्टूडियो के 1946 में आई फिल्म सफर सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। इसके बाद तो सी रामचंद्र का रुतबा और भी बढ़ा और उन्होंने इस रुतबे के मुताबिक उस दौर की लग्जरी कार शेवरले खरीद ली। कभी मेरी गली आया करो।
यहाँ एक फिल्म का जिक्र करना बेहद जरूरी है जो अन्ना के करियर के लिहाज से बहुत खास साबित हुई। दरअसल 1947 में आई शहनाई में अन्ना को गीतकार प्रोड्यूसर प्यारे लाल संतोषी का साथ मिला, जो निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता थे। अन्ना और संतोषी साथ आए तो एक से एक हिट गाने निकल कर आए। फिल्म शहनाई का ही गाना आना मेरी जान संडे के संडे बहुत पसंद किया गया, जिसे सी रामचंद्र ने खुद गाया था। आना मेरी जान संडे के संडे, आई लव यू। इसी फिल्म का गाना जवानी की रेल चली जाए रे को रामचंद्र ने लता के साथ खुद अपनी आवाज दी थी। यहाँ ये भी बताना बहुत जरूरी है कि लता मंगेशकर ने पहली बार सी रामचंद्र के लिए शहनाई में ही गाया था। इसी के बाद से वो बाकी सबको भुलाकर सिर्फ लता की आवाज को ध्यान में रख कर ही संगीत रचने लगे। एक दूसरे के हुनर की कदरदानी के साथ साथ दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी शुरू हुआ और काफी लंबा चला भी। इंडस्ट्री में तब ये जोड़ी सीताराम की जोड़ी कही जाती थी। सीता मतलब लता और राम मतलब रामचंद्र। मगर अफसोस, एक दिन ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिल्म शहनाई के बाद हिंदी सिनेमा में एक तिकड़ी बन गई जिसमें रामचंद्र, प्यारे लाल संतोषी और लता मंगेशकर शामिल थे। 40 के दशक में रामचंद्र ने संगीतकार के रूप में जिन फिल्मों में संगीत दिया उनमें सावन, पतंगा, समाधि और सरगम शामिल है। पतंगा फिल्म का संगीत और इसके गाने खूब मशहूर हुए। इसके कई गानों में सी रामचंद्र ने भी अपनी आवाज दी, जबकि इसके ज्यादातर गाने शमशाद बेगम और लता ने गाए थे और उनके साथ रामचंद्र ने ड्यूट गाया था। इस फिल्म का गाना मेरे पिया गए रंगून आज भी खूब सुना जाता है। मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहां से टेली तुम्हारी। एक दिन चर्च गेट के एक मैखाने में सी रामचंद्र और भगवान दादा बैठे हुए थे। दोनों ने एक फिल्म बनाने का प्लान किया, नाम रखा गया अलबेला। इस फिल्म में भी फिर वही टीम, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भगवान दादा, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, सिंगर लता मंगेशकर और संगीतकार रामचंद्र। फिल्म बनकर तैयार हुई तो इसने कामयाबी के रिकॉर्ड बना डाले। यही वो फिल्म थी जिसके जरिए बतौर संगीतकार फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने में बड़ी कामयाबी मिली। फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए, खासकर शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, भोली सूरत दिल के खोटे ने धूम मचा दी। फिल्म अलबेला के गीत संगीत बनने की भी कम दिलचस्प कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भगवान दादा ने संगीत की जिम्मेदारी हमेशा की तरह सी रामचंद्र को सौंपी थी, जबकि गाने लिखने का काम राजेंद्र कृष्ण का था। इन दोनों दोस्तों की जोड़ी पहले भी कई हिट फिल्में और सुपरहिट गाने दे चुकी थी। इस फिल्म के सीन के हिसाब से एक लोरी बननी थी, लाख कोशिश के बावजूद राजेंद्र कृष्ण गाना लिख ही नहीं पा रहे थे। इसको लेकर संगीतकार सी रामचंद्र से लेकर यूनिट के सभी सदस्य परेशान थे। इसके लिए सी रामचंद्र ने जो आइडिया निकाला था वो जानकर आपकी हंसी छूट जाएगी। दरअसल एक दिन रामचंद्र ने राजेंद्र कृष्ण को अपने घर बुलाया। रामचंद्र ने अपनी पत्नी से पहले ही कह दिया था कि जैसे ही राजेंद्र कृष्ण आए तुम बाहर से ताला लगाकर अपनी बहन के घर चली जाना और जब तक मैं फोन ना करूं आना मत। ऐसा ही हुआ। तय समय पर राजेंद्र कृष्ण आए तो बाहर से ताला लग गया। अब राजेंद्र कृष्ण फंस गए, उन्हें बैठना पड़ा और तब जाकर इस मशहूर गाने का निर्माण हो सका। गाना लिख कर तैयार हुआ तो सी रामचंद्र ने घोर सन्नाटे वाली रात में आसमान के तारे देखते हुए ऐसी मीठी धुन बनाई कि ये गाना अमर हो गया और सुनने वाले आज भी वाह वाह कर उठते हैं। धीरे से आ जा री अखियन में निंदिया जा री। 50 के दशक में लता मंगेशकर ने संगीतकार रामचंद्र की धुनों पर कई गीत गाए। अब तक सी रामचंद्र फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमा चुके थे। फिल्म पतंगा और अलबेला की कामयाबी के बाद सी रामचंद्र बड़े संगीतकार बन चुके थे। 50 के दशक में रामचंद्र ने खजाना और साकी जैसी फिल्मों में भी संगीत दिया। 1953 में फिल्म अनारकली की सफलता के बाद रामचंद्र शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। इस फिल्म में उनके संगीत से सजे कई गाने बहुत लोकप्रिय हुए जिसे आज भी बहुत पसंद किया जाता है। ये जिंदगी उसी की है जो इसी का।
एक संगीतकार के तौर पर मिल रही लगातार कामयाबी से रामचंद्र खुद के मुरीद होते चले गए और अहंकार बढ़ता चला गया। 1953 में रामचंद्र ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और न्यू साई प्रोडक्शन का निर्माण किया, जिसके बैनर तले उन्होंने झंझार, लहरें और दुनिया गोल है जैसी फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हुई, जिससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन से तौबा कर ली और फिर से म्यूजिक पर फोकस किया। दुनिया में मोहब्बत की निशानी। इसके बाद 1954 में आई फिल्म नास्तिक में उन्हें संगीत निर्देशक के तौर पर मौका मिला और फिर कुछ सदाबहार और यादगार नगमे हमेशा के लिए अमर हो गए। ये गाना उसी की बानगी है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है जितना 70 साल पहले का था। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। श्री रामचंद्र के स्वभाव में मौजूद तल्खी और तुनक मिजाजी के चलते 50 के दशक के आखिरी सालों में उन्हें काम मिलना कम हो गया, लेकिन 1958 में आई फिल्म तलाक और 1959 की फिल्म पैगाम के शानदार संगीत के जरिए अन्ना एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करने में सफल रहे। पैगाम का ये गाना उसी की एक मिसाल है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा। समय के साथ ही सीताराम की जोड़ी यानी लता और रामचंद्र में कई वजहों से दरार आनी शुरू हो गई। लता और अन्ना दोनों में ईगो बराबर का था। आगे चलकर दोनों के अलग होने की वजह भी यही बनी। 50 के दशक के अंतिम वर्षों में रामचंद्र अपने गानों में आशा भोसले को मौका देने लगे। ये बात लता को और नागवार लगी। 1959 में आई फिल्म नवरंग में रामचंद्र ने आशा भोसले से गाने गवाए। आशा ने भी मौके का भरपूर फायदा उठाया और दिल खोल कर गाया। महेंद्र कपूर के साथ उनकी युगलबंदी में गाया ये गाना कालजयी बन गया। अब बात एक ऐसे अमर गीत के बनने की जिसकी कहानी में सी रामचंद्र के कद और काबिलियत का अंदाजा मिलता है। साल था 1962, चीन के साथ हुए युद्ध में भारत को शिकस्त मिली थी। इस जंग में देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने और देश के लोगों में नया जोश भरने के लिए तब की नेहरू सरकार ने एक देशभक्ति गीत तैयार कराने का फैसला किया। इस गीत के लिए सी रामचंद्र को प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन गया। कहा गया कि हफ्ते भर में एक गीत तैयार कीजिए, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सामने एक सभा में इसे गाया जाना है। श्री रामचंद्र ने कम समय का हवाला देते हुए बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन उन्हें लगभग आदेश दे दिया गया। अब श्री रामचंद्र ने सारी स्थिति समझाते हुए कवि प्रदीप से गीत लिखने को कहा। प्रदीप ने गीत लिख लिया तो रामचंद्र ने धुन बनाई। धुन बनाते वक्त रामचंद्र ने तय किया था कि गीत को लता मंगेशकर और आशा भोसले के साझा स्वरों में रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि लता बिल्कुल इसके लिए राजी नहीं हुई। मजबूरन रामचंद्र को आशा को दरकिनार करना पड़ा। खैर, हफ्ते भर में जैसे तैसे धुन तैयार हुई। रिकॉर्डिंग तो छोड़िए, पूरी रिहर्सल भी ठीक से नहीं हो पाई थी, पर जब लता ने गाया तो लोग ही नहीं पंडित नेहरू भी रो पड़े। वही नेहरू जो अक्सर कहा करते थे कि मैं सबके सामने नहीं रोया करता, लता के गले से निकलकर उनकी ये धुन अमर हो गई। ये गीत आज भी लोगों को बरबस रुला देता है। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था ही। संगीतकार सी रामचंद्र अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे, वहीं सिंगर के तौर पर लता मंगेशकर बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। साल 1962 या 63 रहा होगा। एक दिन सुबह सुबह सी रामचंद्र के पास एक प्रोड्यूसर का फोन आया। उन्होंने कहा, अन्ना, लता अब तेरे साथ नहीं गाना चाहती। सी रामचंद्र ने कहा, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? प्रोड्यूसर ने कहा, मजाक नहीं कर रहा, सच है ये। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, तुम ही बताओ। सी रामचंद्र समझ चुके थे कि प्रोड्यूसर लता को दरकिनार करने के मूड में नहीं है। मौके की नजाकत को महसूस करते हुए अन्ना ने कहा, तुम सीता से गवा लो, मुझे भूल जाओ। प्रोड्यूसर ने यही किया। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया जिसका इशारा। अपनी बायोग्राफी में सी रामचंद्र ने लिखा है कि इस घटना के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। वो समझ गए कि अब फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना अपमान भोगना है। इसी के बाद सी रामचंद्र का भारी नुकसान हुआ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर जानते थे अपनी फिल्मों के लिए लता और रामचंद्र में से किसी एक को चुना जा सकता है। जाहिर है लता ज्यादा सेफ विकल्प थी, क्योंकि उनके नाम पर अब फिल्में बिकने लगी थीं। काम मिलना लगभग बंद हो गया तो गुरु रामचंद्र गुमनामी में खोते चले गए, जबकि उनकी शिष्या लता का करियर लगातार नई बुलंदियों पर पहुंचता गया।
अब रामचंद्र गानों के स्टेज शो करने लगे। इस घटना के बाद करीब 25 बरस तक वो उसी मुंबई में गुमनाम और बेहद सिमटी हुई जिंदगी जी रहे थे, जहां उनकी तूती बोलती थी। अभी पलकों में भी है बरसात आधी, आधा है चंद्रमा। लता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक रिकॉर्डिस्ट इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा था और मैंने सी रामचंद्र से कहा कि वो उसे हटा दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने उनके साथ काम नहीं करने का फैसला किया। ये वही रिकॉर्डिस्ट बीएन शर्मा थे जिन्होंने मैखाने में रामचंद्र से लता के बारे में अनाप शनाप कहा था, और इसकी जानकारी जब लता को हुई तो उन्होंने शर्मा के साथ रिकॉर्डिंग से मना कर दिया, लेकिन रामचंद्र इसके लिए राजी नहीं थे। कई अन्य वजहों के साथ ही ये बात दोनों के अलग होने का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। हालांकि बाद में आशा भोसले के दखल देने पर लता और बीएन शर्मा के बीच पैचअप हो गया, लेकिन रामचंद्र और लता हमेशा के लिए अलग हो गए। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम। एक इंटरव्यू में संगीतकार श्री रामचंद्र ने कहा था कि लता उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। शुरुआती समय में सी रामचंद्र लता मंगेशकर पर न्यौछावर थे, इसका खुलासा सी रामचंद्र ने अपने आत्मकथा में बहुत विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है कि एक एक गाने के लिए रात रात भर लता मंगेशकर उनके पैर दबाती रहती थी। उन्हीं के चलते उनका अपनी पहली पत्नी से तलाक भी हुआ और बाद में लता से भी उनका नाता बिगड़ गया। जीवन के लगभग अंतिम 10 साल रामचंद्र बिना काम खाली बैठकर शराब के सहारे ही गुजारे थे। रामचंद्र हिंदी सिनेमा में पाश्चात्य शैली की धुनों के जादूगर माने जाते थे, लेकिन उन्होंने पश्चिमी धुनों के साथ भारतीय सुरों का ऐसा घोल तैयार किया जिसे पीकर संगीत प्रेमी झूम उठे। उन्हें बागेश्वरी राग बहुत पसंद थी। फिल्म सरहद के इस एक गाने में अन्ना ने वेस्टर्न म्यूजिक को ज्यों का त्यों उतार दिया था, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई, लेकिन वो इस पर कभी कोई सफाई नहीं देते थे। आप भी सुनिए वो गाना। साठ के दशक में रामचंद्र ने धनंजय और घरकुल जैसी मराठी फिल्मों का निर्माण किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने तमिल, मराठी, तेलुगु और भोजपुरी फिल्मों में संगीत निर्देशन भी किया। बात चलत है ठुमक ठुमक जू गोपी वृंदावन। अपने 4 दशक लंबे सिने कैरियर में उन्होंने लगभग 150 फिल्मों को संगीतबद्ध किया। अपने संगीतबद्ध गीतों से श्रोताओं के दिलों में खास पहचान बनाने वाले संगीतकार रामचंद्र 5 जनवरी 1982 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। अफसोस कि इस महान संगीतकार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी कई उन संगीतकारों के मुकाबले कम है जिन्होंने उनसे कमतर काम किया, लेकिन उनकी प्रसिद्धि ज्यादा है। हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि इस संगीत के सिकंदर के बारे में लोग जानें और समझें और उनके काम का सही मूल्यांकन हो। सी रामचंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।